हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज। दोस्तों आज हम बात करेंगे इग्नू की, इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की। हाँ दोस्तों, अगर आप भी इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं 2020 में, तो आज आपके लिए ये वीडियो है। चाहे यूजी लेवल पे हो, चाहे पीजी लेवल पे हो, चाहे डिप्लोमा सर्टिफिकेट किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा, ताकि इग्नू से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे इस चैनल पे आपको समय से और सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इग्नू की। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि इग्नू का जो है एडमिशन का सीज़न जो है वो 2 बार साल में होता है। एक जो है जून में होता है, मई जून में, और एक जो है एडमिशन जो चलता है वो नवंबर दिसंबर में चलता है। तो मई जून में तो अभी बीत चुका है एडमिशन का समय, लेकिन अब जो है नवंबर दिसंबर का जो एडमिशन है वो चल रहा था और 31 दिसंबर तक जो है लास्ट डेट था उनका। लेकिन अब जो है इसको बढ़ा के जो है जनवरी 2020 में जनवरी 2020 तक 20 तारीख तक जो है जनवरी तक इसको कर दिया गया है। तो अगर आप भी एडमिशन अभी तक नहीं लिए हैं तो जल्द से जल्द अपना जो है एडमिशन करवा लें। चाहे आप किसी भी कोर्स में लेना चाह रहे हो, सभी कोर्सेज में जो है लगभग इग्नू एडमिशन करवाता है। तो आप जिन भी कोर्स में लेना चाह रहे हो, यूजी लेवल पे, पीजी लेवल पे, या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किसी भी कोर्स में लेना चाह रहे हो, तो आप अभी जो है एडमिशन करवा सकते हो 20 तारीख तक। बाकी 20 तारीख के बाद भी, 20 जनवरी के बाद भी आपका एडमिशन होगा, लेकिन उसके बाद जो है आपको लेट फीस के साथ जो है 15 दिन तक एडमिशन करवा सकते हैं। उसके बाद एडमिशन जो है इग्नू का ख़त्म कर दिया जाएगा जनवरी सीज़न का। तो इसलिए है कि अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है और आप भी लेना चाह रहे थे इग्नू में एडमिशन, तो आप जल्द से जल्द ले लें। तो दोस्तों आज हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि आप कैसे एडमिशन लेंगे। तो दोस्तों ये इग्नू का वेबसाइट खुला हुआ है, अगर आप भी इग्नू का वेबसाइट से एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इग्नू के जो पोर्टल होता है, इग्नू का वेबसाइट जो है ignu.ac.in, इस पर जाके आप जब खोलेंगे तो ऐसे आता है। और जब आप खोलेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा, न्यू ऑनलाइन एडमिशन ओपन फॉर जनवरी 2020 सीज़न, डेट एक्सटेंडेड अप टू 20 जनवरी 2020, यानी कि आपका जो है डेट बढ़ा दिया गया है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको खुल के आ जा रहा है, वेलकम टू एडमिशन पोर्टल 2020 जनवरी सीज़न। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर पढ़ लें कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है, यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। तो आप यहाँ पे पढ़ के लॉगिन कर सकते हैं। बाकी यहाँ आपको एडमिशन के लिए यहाँ पे जो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। और उसके बाद जो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट मांगता है, ईमेल आईडी। उसके बाद जो है यहाँ पे जैसे देख रहे हैं यूजर नेम आपको रखना होगा, जैसे कुछ भी रख सकते हैं आपके नाम के हिसाब से, तो वो रख लीजिए। उसके बाद फुल नाम आपका जो डॉक्यूमेंट्स में है, जो पहले भी आपने 10वीं या 12वीं के डॉक्यूमेंट्स में जो नाम होगा फुल नेम वही भरना है। ईमेल एड्रेस, री ईमेल एड्रेस, पासवर्ड जो अपने हिसाब से रखना चाहे, री इंटर पासवर्ड, मोबाइल नंबर अपना सही मोबाइल नंबर दीजिएगा। बहुत सारे छात्र ये करते हैं कि मोबाइल नंबर जो है पिताजी का दे दिए या कोई पुराना नंबर दे दिए, जिसमें इग्नू की तरफ से कोई भी अपडेट जो है उनको नहीं मिलता रहता है समय पे लेके, तो ये दिक्कत होता है बाद में। तो इसलिए आप यही करिएगा, जो आपके पास मोबाइल नंबर हो उपलब्ध वही दीजिएगा, ताज़ा वाला, या जिससे जो आपके पास में रहता हो। तो जो भी इग्नू से रिलेटेड अपडेट होता है इग्नू मैसेज के थ्रू आपको भेज देते हैं। उसके बाद फिर से आपको मोबाइल नंबर करना है, उसके बाद ये जो है आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे। जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपका जो है एक नया पेज खुलेगा, और उसके बाद जो है आपका जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स है जमा करने के लिए आएगा, फीस सबमिट करने के लिए आएगा, और उसके बाद जो है आपका एडमिशन जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। तो दोस्तों यही है, आप चाहे किसी भी कोर्स में लेना चाहे, यहाँ पे आपका कोर्स होता है, स्टडी सेंटर चूज करने के लिए दिया जाएगा, रीजनल सेंटर होगा अलग और आपका जो मेन सेंटर होगा वो भी अलग होगा। वैसे इग्नू का मेन सेंटर जो है पूरे ऑल इंडिया में वो मैदान गढ़ी है, ये मैदान गढ़ी में पड़ता है, तो यहीं पे मेन सेंटर है जो पूरे ऑल इंडिया का जो सेंटर है तो वहीं पे होता है। बाकी आप जिस भी एरिया में रह रहे होंगे वहाँ का सेंटर अलग अलग होता है, रीजनल सेंटर, तो वहाँ पे जो है आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड सारा कुछ जो है
इन्फॉर्मेशन तक आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो बाकी यही है, आप डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या आपको मांगता है, और ये सब केबी में होना चाहिए, यानी कि 100 KB मांग रहा है तो 100 KB में ही होना चाहिए, 200 KB में मांग रहा है तो 200 KB में। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होता है, BPL अगर है आपके पास सर्टिफिकेट तो उसके लिए, आप किससे कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से फ़ीस जमा कर रहे हैं या डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, तीन तरह का जो होता है यहाँ पे वो होता है। तो यही है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और बाकी अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं करवाया है तो आप जल्द से जल्द जो है 20 तारीख से पहले, 20 जनवरी से पहले जो है अपना एडमिशन करवा ले, ये आपके लिए बेहतर होगा। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी जो एडमिशन लेना चाह रहे होंगे इग्नू में, वो अपना एडमिशन यहाँ से आके ले सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा, ताकि इग्नू से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे इस चैनल पर आपको मिलता रहे। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।